आई कैंट हैंडल एनी मोर। यमुना नदी क्रॉस खत्म करता हूँ। झोपड़ा ऐसे बना हुआ है, बोले बम बोले बम बोले आहा। और सुबह सुबह पवन की वहाँ पहले जाएगी, दम पट्टी मिल गई है। निकल चुके हैं मंदिर से, बागपत एंटर करने से पहले ही हम राइट लेने वाले हैं और थोड़ी दूर चल के फिर थोड़ी दूर मतलब भाई बहुत दूर चल के यमुना नदी क्रॉस करेंगे, तब मैं दिखाऊंगा आपको यमुना नदी कैसी है। फिलहाल तो सूर्य देवता का प्रकोप हमारे सर पे है, बहुत तगड़ी गर्मी है और उमस भी है, कपड़े सारे भीग गए, अभी साफ सुथरे नहा धो करके निकले थे, फिर वही हाल, क्या करे हाल बेहाल। तो हमें अभी आगे पहुंच के पेरिफेरल नाम से कोई हाईवे है वहाँ पहुंचना है, और वहाँ पहुंचने में यहाँ से पता है कितना टाइम लगेगा, मैं नहीं बताऊँगा कितना टाइम लगेगा, अजय देवगन बताएगा कितना टाइम लगेगा। दो घंटे लगेंगे, दो घंटे में हम पहुंच जाएंगे उस फ्लाईओवर पे। अबे यार क्या क्या करता रहता हूँ। बहुत लंबा रोड है और बहुत गर्मी है, मैं बियर ग्रिल्स मैन वर्सेस वाइल्ड में स्वागत है आपका। कंटिन्यूसली कड़ी धूप में चले जा रहे हैं बहुत देर से, बहुत दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरी तरह से सन्नाटा, और हमारे चारों तरफ गर्मी और सूर्य देवता का प्रकोप पूरे जोरों पे है। इस कंडीशन में ज़रूरी है कि आप समय समय पर पानी पीते रहे ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, पानी पीते रहे डिहाइड्रेशन से बचे और कंटिन्यूसली एक एक गैप ले और छांव में बैठे। और अब हम पहुंचने वाले हैं पेरिफेरल ब्रिज फ्लाईओवर, पता नहीं क्या, वहाँ जाके मैं आपको एकदम क्लियर परफेक्शन के साथ बता पाऊँगा कि वो है क्या ब्रिज है फ्लाईओवर है, तो फ्लाईओवर ही ब्रिज है, मतलब नदी के ऊपर से जा रही तो ब्रिज होगी ना, पेरिफेरल नाम है इसका। और जस्ट अभी पहुँचे हैं और सूरज भी ढलने को है, हालत ख़राब हो गई है गाइस, देखो नागिन डांस की तरह चल रहा हूँ मैं, पैर ऐसे चल रहे हैं ना, मतलब थम थम। और ठीक है, पीछे पवन भी है और एक और बंदी मिला है हमको, वो भोला भी सेक्टर A5 नरेला का है जो कि हमारे घर के रास्ते में ही पड़ता है, तो हम तीन लोग हो गए अब जाने वाले, और आसपास कोई शिविर मिल जाए तो रुक करके अच्छा चाय नाश्ता पानी वानी हो जाए। तो अभी मैं और पवन चाय की टपरी पर रुके हैं, ये पी रहा है लिमका, मैं पी रहा हूँ मेरी फेवरेट चाय, और ये है ऊपर फ्लाईओवर, अंधाधुंध चलते जितना चल पाएंगे। वेलकम टू ईस्टर्न पेरिफेरल। तो दोस्तों ये है पेरिफेरल हाईवे ब्रिज जिसके ऊपर से हम चढ़ के अभी यमुना नदी क्रॉस करेंगे, और हमारे रास्ते में पड़ेगा कुंडली, कुंडली होते हुए हम पहुंच जाएंगे अपने अपने गांव के शिव मंदिर। कुंडली से अपना घर कितना है, ब्रिज देख लेता हूँ बस, कुंडली का देख लेता हूँ कितना है, देखते हैं। व्यू तो अच्छा मिल रहा है फिलहाल, पर व्यू देखने के लिए ताकत ही नहीं बची है।
14 जुलाई रिपीट कर रहा हूँ, शाम के 7 बज चुके हैं और हम पेरिफेरल हाईवे ब्रिज पे है और इसको क्रॉस करने के बाद अराउंड 18 किलोमीटर बचेगा हमारे घर के लिए या उससे भी कम। पर ये ब्रिज एक्चुअली में बहुत बड़ा है और अभी काफ़ी दूर चलने के बाद हम यमुना नदी के ऊपर होने वाले हैं। फिर यमुना नदी का व्यू देखते हुए हम उस तरफ जाएंगे, पर सनसेट होने में भी अभी सिर्फ 5 या 10 मिनट बचे हैं, तो जल्दी से पहुंच जाएंगे तो ही हम उस व्यू को एंजॉय कर पाएंगे। पर फिलहाल जितना दिख रहा है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन ये हाईवे का शोर, आई कैंट हैंडल एनी मोर। और ये देखो हम थके हारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारी कावड़ है और ये हमें ब्रिज पार करनी है और अब बहुत लंबा ब्रिज है और हम शॉर्टकट मारने के चक्कर में रोडकट हो गए इस के कारण, मेरे कारण। हाँ, गूगल मैप कौन चला रहा था? ये चला रहा था, इसने बोला शॉर्टकट है, शॉर्टकट के कारण शॉर्टकट में आ गए। शॉर्टकट ये भी नहीं गलत है, वहाँ पे वो बंद कर दिया ना, तो शॉर्टकट तो बहुत अच्छा था। गूगल मैप सुबह से तू चला रहा भाई, रेस्ट हो गया बहुत, बैग को बैग की हालत देखो थोड़ा फटेला हो गया है। बम बोले बम बोले बम बोले, हाँ जय बोले, हमको देख के सब बोलते हैं फिर हम भी बोलते हैं, बच्चे पैर छूते हैं। और पता है, मैं पता है बहुत प्यार से ऐसे सर पे हाथ फेर के आशीर्वाद देता हूँ, बच्चे खुश हो जाते हैं। हाँ ऐसा ऐसा। हाँ, कल क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या क्या मांगा था हमने? हमने जो जो मांगा हमें वो मिल गया, खाने का आइटम सब मिल जाता है, हमारा जो भी इच्छा करता है वो मांगते वो मिल जाता है। जरूरत जैसे कि मैंने क्या मांगा था, इसने गुलाब जामुन और रसमलाई मांगा था, उसके जगह पे इसको बढ़िया सा मीठा घेवर मिल गया, काम चल गया। और मांगा मेरे को सब, इसने बोला ट्यूबवेल पे नहाना है, ट्यूबवेल चाहिए, तो हम जहाँ रेस्ट कर रहे थे वहाँ पे इसने मांगा, जैसे ही हम रेस्ट करके बाहर निकले ट्यूबवेल मिल गया हमको, पानी भी आ रहा था पर उसमें भीड़ बहुत थी। भोले बाबा ज़्यादा भोले हैं, बहुत भोले होते हैं भोले बाबा, तो बाबा को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ट्यूबवेल होना चाहिए, ट्यूबवेल में पानी आना चाहिए, ट्यूबवेल में इतना सारा पानी होना चाहिए और वो खाली होना चाहिए ताकि हम नहा सके, सब कुछ बताना पड़ता है। हमारे पास कुछ नहीं था पर रास्ते में आते आते हम रास्ता भटक गए, पर फिर भी इतना सामान मिल गया ना कि हम आराम से बैठ के कहीं भी बैठेंगे ना तो पेट भर जाएगा हमारा। बिस्किट है, केला है, रोटी है, पानी की बोतलें हैं, अच्छे मिलता रहता है। हाँ तो दोस्तों, ये है यमुना नदी और जिस टाइम पे मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, इस टाइम पे दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, सेंट्रल दिल्ली की तरफ लाल किला के आसपास के एरिया जो है वहाँ पर, और पानी का फ्लो वीडियो में पता नहीं चल रहा है पर बहुत ह्यूज है। तब से अब तक कंटिन्यूसली वॉक कर रहे हैं पर ये ब्रिज ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, आज तो हालत पंचर हो गई गाइस एंड लेडीज़, पंचर हो गई हालत। अब हम इस टोल टैक्स पे पहुँच गए हैं, 5 मिनट के लिए रोड पर किनारे पे बैठे हैं, रेस्ट करेंगे और दोबारा से निकल पड़ेंगे आगे अपने गांव वाले मंदिर की तरफ और शिविर की तरफ, ताकि सुबह में हम जल चढ़ा सकें। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और हम बस पहुंचने वाले हैं नरेला में। नरेला हम दोनों के जो गांव है उससे जस्ट 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। नरेला से निकल के अगर हम राइट को जाएंगे
तो उधर पवन रहता है, और नरेला से निकल के हम लेफ्ट को अगर 3 किलोमीटर से इधर जाएंगे तो उधर मैं रहता हूँ। तो वी डिसाइडेड कि हम नरेला में रात भर रुकेंगे और सुबह सुबह पवन के वहाँ पहले जाएंगे, वो कांवड़ से जल निकाल के चढ़ा देगा, फिर वहाँ से मैं अकेले अपने घर जाऊँगा और फिर अपने गाँव में होरगढ़ में जल चढ़ाऊँगा। अब ब्लॉक करने की ताकत हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची है और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो शिविर में अगर कुछ ऐसा रहा है कि मैं दिखाऊँ तो आई विल शूट, अदरवाइज आई विल स्लीप। समझे बबुआ? नहीं समझे कोना बात में, जल्दी समझ जाओगे। अगर नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं समझ पाओगे तो समझ जाओगे, तो नहीं समझ पाओगे तो समझ जाओगे तो आ जाएगा और फिर समझ जाओगे। हाँ बाय द वे रोड देखो, खूबसूरत और सुनसान। हाँ सिनेमैटिक टिप्स लेने के लिए ना पैरों को ना एकदम स्टेबल मूव करना होता है, शेक नहीं होना चाहिए पैरों में। मैंने कई बार कई जगहों पे ऐसे ऐसे टेक मिस किए जहाँ पे सिनेमैटिक टेक में ले सकता था पर नहीं ले पाया, ले पाऊँगा ना ले पाया, तो सॉरी फॉर दैट। पहुँच चुके हैं नरेला और कुछ दूरी पे एक शिविर है जहाँ पे हम रुक जाएंगे रात भर के लिए, सो जाएंगे। गर्म पट्टी मिल गई है, सुबह सुबह लगा लूँगा और नहाने के बाद वापस से लगा लूँगा तो थोड़ा जल्दी रिपेयर होगा मेरा पैर। पहुँच गए नरेला, अब मैं सोने जा रहा हूँ। पवन और यह नरेला का रेलवे स्टेशन बहुत दूर है, दिख नहीं रहा है। हमें ये पटरियाँ क्रॉस करनी है अभी। डाक कावड़ देखो भाई, आगे ऑलरेडी एक बंदा वहाँ पे पहुँचा हुआ था बाइक से। तो इस तरह से डाक कवर पे ना कंटिन्यूसली बंदे बाइक से उतरते चढ़ते भागते हुए एक दूसरे को देते हुए गंगा जल आगे निकलते जाते हैं, ताकि कम से कम टाइम में बिना रुके गंगा जल को पहुँचा सके वो अपने गांव के मंदिर में। और हम आ गए स्वतंत्र नगर पवन के गाँव में, यहाँ पर पवन अपना गंगा जल चढ़ा देगा और फिर यहाँ से मैं निकल जाऊँगा अपने भोरगढ़ में पैदल, जो कि यहाँ से लगभग 3 या 4 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर तो है कम से कम, इतना तो मुझे पता है। मैप पे चेक करने की हिम्मत नहीं है, नहीं तो और ज़्यादा दूर लगने लगेगा। कावड़ उठा ले, मंदिर के सामने एक फ़ोटो हो जाएगी अच्छी सी ताकि याद रहे सब कुछ। यह स्वतंत्र नगर का मंदिर जहाँ पर पवन जल चढ़ाएगा। पंद्रह जुलाई सुबह के 7 बजे और मैं अपने गांव भोरगढ़ पहुंचने ही वाला हूँ, जस्ट 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और पवन को उसके गांव में स्वतंत्र नगर में मैं छोड़ चुका हूँ काफ़ी देर पहले, बस अब मुझे 1 किलोमीटर और चलना है और फिर मैं अपने भोरगढ़ में पहुंच जाऊँगा। वहाँ पे जाके मैं शिवलिंग पे गंगा जल अर्पित करूँगा और फिर कावड़ लेके घर चला जाऊँगा और इसके साथ ये जर्नी ख़त्म हो जाएगी। तो शायद मैं रिकॉर्ड करूँगा गंगा जल को अर्पित करने का सीन, अगर वैसा सीन अगर मैं रिकॉर्ड कर पाया तो इस एंडिंग के बाद वो आपको दिख जाएगा। अदरवाइज़ दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग, एंड ऑफ द जर्नी। जर्नी बहुत रोमांचक थी, पेनफुल थी, एक्साइटमेंट भरी थी, घर पहुंचने की खुशी भी है और अजीब सा भी फील हो रहा है कि ये कांवड़ यात्रा ख़त्म भी हो रही है। खुशी और दुखी, जैसे कोई ट्रिप ख़त्म होती है वैसा कुछ अजीब सा फील हो रहा है।
इसी के साथ व्लॉग को खत्म करता हूँ। बाय बाय। प्याला विश्व का तूने खुद पिया, न वो न वो।